भारत में बेरोजगारी कुछ ऐसी बढ़ रही है। ये सब भारत के युद्ध है, इन सब का एक ही होप है कि हमें गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए। और भारत में बेरोजगारी कुछ ऐसी बढ़ रही है जिसका अभी तक तो कोई तोड़ नहीं निकाला। इस वजह से आज के टाइम में नाराज हताश युवा थक चुका है बेरोजगारी से। आजकल के माँ बाप अपने बेटों से ये उम्मीद रखते हैं, बट रियलिटी कुछ ऐसी बनती चली जा रही है। ड्रग्स, क्राइम, सुसाइड, अब कुछ ऐसे डेटा और फैक्ट बताऊंगा जो वाकई में आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। भारत में हर साल 1 करोड़ यूथ ग्रेजुएशन करता है, उसमें भी 33% आर्ट्स के स्टूडेंट होते हैं और 14% कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं। और ये सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और उसकी भी वैकेंसी लिमिटेड है और वहाँ भी पेपर लीक हो जाता है। इसके साथ ही साथ प्राइवेटाइजेशन की वजह से गवर्नमेंट सीट भी कम कर रही है और इन सब बातों की वजह से स्टूडेंट में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही चलता रहा तो भारत देश में क्राइम, ड्रग कंजप्शन, सुसाइड सारे तेजी से ज़्यादा फैलने लग जाएंगे। इसका सोल्यूशन आखिर क्यों नहीं? लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं इसलिए अनएम्प्लॉयड। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन। हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। हमारा भारत देश दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वही एक तरफ दुनिया कह रही है कि भारत की 50% आबादी यूथ है, इसलिए भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। लेकिन 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 अकॉर्डिंग डेटा के अनुसार भारत में 2021 में 5.98%, 2022 में 7.33%, 2023 में 8.003%, 2024 में 9.2% अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इंक्रीज हुई। आखिर क्यों युवा को नौकरी भी नहीं मिल सकती, ये कैसे पॉसिबल हो सकता? मुझे लगता है यही सच्चाई और ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए। जी, हमारा देश टीम ऑब्सेस्ड देश नहीं है, इंडिविजुअल ऑब्सेस्ड देश है। हम इंडिविजुअल्स को अपनी टीम से बड़ा मानते हैं, बाकी देशों में टीम बड़ी है, इंडिविजुअल बड़ा नहीं। हालत देखे सभी राज्यों के, तो राजस्थान के युवा 50% रिजर्वेशन को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। यूपी के युवा एक किसी भी प्रकार की वैकेंसी के लिए तरस जा रहा है। किसी के लिए कोई रोजगार नहीं है, बेरोजगार है बिल्कुल, पेपर लीक हो जा रहा है। वही यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा, वही दिल्ली के मुखर्जी नगर के छोटे से रूम में घुटन भरी जिंदगी में नौकरी की उम्मीद से सालों से घर फैमिली सब छोड़कर किताबों में घुसा हुआ है। वही हरियाणा में जब कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है तो पेपर माफियों के द्वारा पेपर लीक हो जाता है, वहाँ के युवा एक एक वैकेंसी के लिए मोहताज है। वही नीट के स्टूडेंट उनके साथ हुई नाइंसाफी को लेकर सरकार से री एग्जाम की उम्मीद लगाकर बैठे हैं। कोटा में आए दिन स्टूडेंट स्ट्रेस में आकर सुसाइड कर रहा है। यह हालत है वर्तमान भारत की। सरकार से नौकरी के सवाल करने पर कुछ ऐसा सुनने मिलता है, अगर आपके जीटीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपए कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं? आज हमारे देश का एजुकेटेड यूथ सड़कों पर फास्ट फूड, चाय बेचकर कुली बनकर रह गया है। सरकार को इस बात को समझने की जरूरत है। वही हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी थ्योरेटिकल नॉलेज से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ावा देने में स्टेप उठाना चाहिए। आज के टाइम में किसी भी यूथ के लिए डिग्री लेना तो आसान है, बट उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू तो जरूर रह जाती है। क्योंकि रीजन ये है, यूथ डिग्री पाने के चक्कर में कोई कोर्स करता है बट वो कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाकर डोनेशन करा देता है, जिससे बड़ी मात्रा में लैक ऑफ स्किल की भीड़ खड़ी हो रही है, जिसका इस 5G जमाने में कोई फ्यूचर नहीं है। देश में लगभग 1 साल में 1 करोड़ यूथ ग्रेजुएट हो रहे हैं और उसमें भी 50% ऐसा होता है जो कोई भी नौकरी करने लायक नहीं होता, मतलब अनएम्प्लॉयबल है। सरकार को स्किल इम्प्रूवमेंट कराने लायक दमदार योजना लेने की जरूरत है और सरकार ने इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। ये कागजों से धरातल पर कब लागू होगा ये तो वक्त बताएगा। हाल ही में आए बजट में पीएम पैकेज योजना के थ्रू 5 वर्ष में 4 करोड़ युवा को नौकरी देंगे, ये दावे खोखले हैं या वाकई काम होगा ये तो वक्त बताएगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करेंगे। इससे भी मेन मुद्दा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो आज भी वक्त के साथ चेंज नहीं हुआ है। आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों द्वारा दिया गया तरीका वही पुराने तरीके से चल रहा है। दुनिया में जब भी एजुकेशन की बात होती है तो फिनलैंड का जिक्र नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वहाँ की संस्कृति और एजुकेशन व्यवस्था सबके लिए बेमिसाल है। आज भी टॉप लिटरेसी रेट, टॉप एजुकेशन सिस्टम इन वर्ल्ड की लिस्ट में फिनलैंड का नाम सबसे ऊपर आता है। क्यों, आपने कभी सोचा है? आपको पता होना चाहिए किसी भी देश के विकास के लिए एजुकेशन एक रीढ़ की हड्डी जैसी होती है। फिनलैंड में एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल वाली ट्रेनिंग जो बच्चों को नौकरियां प्रोवाइड करने में आगे मदद कर सके वो सब सिखाई जाती है। वैसे फिनलैंड की लिटरेसी रेट 100% है, परंतु तब भी कोई बेरोजगार या अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है तो, वैसा रहता तो नहीं है परंतु तब भी रह जाता है तो वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा उन्हें मंथली 800 यूरोज मिलते हैं जो इंडियन रुपीज में लगभग
73,000 होते हैं। इस तरह से उसे मैक्सिमम 400 दिन तक रोजगार मिलता है। वहीं हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ऐसी कोई स्कीम नहीं है, अगर है भी तो गिनते के पैसे में। इस प्रकार कोई सहारा न मिलने की वजह से युवा डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होता जा रहा है। कुछ ऐसा पॉइंट जिस पर काम करके सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को रोक सकती है। सरकार प्राइवेटाइजेशन पर ध्यान न देकर गवर्नमेंट को एक्सपेंड करे लोगों को स्किलफुल बनाने के लिए। स्किल इंडिया, कौशल योजना, ऐसी या यूं कहे इससे पावरफुल योजना लावे ताकि जरूरत के युवा स्किल सीख सके। किताबों को थ्योरेटिकल नॉलेज से भरावपन से लाद कर नहीं बल्कि प्रैक्टिकल इम्प्रूवमेंट पर ध्यान देने की व्यवस्था की जाए। इस तरह से इन बातों को इम्प्लीमेंटेशन कर सरकार अनएम्प्लॉयमेंट को रोक सकती है।